सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल क्या बनाता है, थीटा, वेलोसिटी वेक्टर थीटा एंगल 90 नहीं है, तो साफ पता लग रहा है कि पार्टिकल की मोशन क्या होगी, हेलिकल होगी। हमने एक और चेंज कर दिया, पिछले हेलिकल पाथ में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, इस बार मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ई भी है बी भी है। अब वर्टिकल में कोई चेंज नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चेंज, कहाँ लगाया जा रहा है, एक्स पे, तो वर्टिकल वेलोसिटी वी साइन थीटा थी, वो तो अपना वही काम करेगी, तो पार्टिकल सर्कल में घूमेगा और आगे भी जाएगा, पर जो आगे जाएगा अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल को क्या करवाएगी, एक्सेलरेट, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल को क्या करवा देगी, एक्सेलरेट। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का क्या होना, इंक्रीज होना। अब होगा क्या, जैसे ये देखो ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, पहले यहां लैंड कर रहा था, पर अब उसकी यहां जाने की वेलोसिटी बढ़ गई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करवाएगी, तो पार्टिकल स्टार्ट यहां से होगा, एंड थोड़ा दूर होगा। अब एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का कॉन्टिन्यूसली बढ़ना, वी कॉस थीटा पहले 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, तो यानी कि पार्टिकल स्टार्ट यहां से होगा, फिर नेक्स्ट पिच बढ़ती जा रही है, पिच और बढ़ गई, तो यानी कि इसका जो डायग्राम बनेगा, इसका जो डायग्राम बनाना चाहिए मुझे वो ऐसा बनाना चाहिए। देखो तो अगर ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और सपोज ये वी वेक्टर है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, इस बार यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो देखो हेलिकल ऐसे बनेगा, यहां से स्टार्ट हुए, पिच बढ़ती जा रही है क्योंकि यहां की वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये डिस्टेंस हर सर्कल में बढ़ता बढ़ता जाएगा, इसीलिए यहां पे क्या लिखा गया कि बाय चेंजिंग इसके अंदर ई अगर बी के पैरेलल है तो पिच विल इंक्रीज सफिशिएंट है।